हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मेडिकल माय लाइफ आज हम सीखेंगे सीएनएस एग्जामिनेशन में हाइयर मेंटल फंक्शन को कैसे असेस किया जाता है सीएनएस एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड लगता है सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक दिस टॉपिक सिंपल एंड इंटरेस्टिंग आपको इस वीडियो को बस सुनना है एंड आई एम श्योर एट दी एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी सो लेट स्टार्ट एग्जामिनेशन को आप फाइव सब हेडिंग्स में पढ़ते हैं सबसे पहले आप हाइयर मेंटल फंक्शन को असेस करते हैं उसके बाद क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन होता है देन मोटर सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन होता है एंड लास्ट आपका होता है सेरिबुलर सिस्टम एंड गेट एग्जामिनेशन फर्स्ट इज हाइयर मेंटल फंक्शन असेसमेंट हाइयर मेंटल फंक्शन आर फंक्शन देट आर टेकिंग प्लेस हाई अप इन दर्टेक्स एंड सब कॉर्टेक्स तो जो हमारा मेन पर्पज होता है हायर मेंटल फंक्शन को असेस करने का वो होता है टू फाइंड आउट वेयर इज द लीजन मतलब हमारे कौन से लोब में लीजन हुआ है सबसे पहले आपको क्या करना है आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करना है तो पहला पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन आपको पेशेंट को टच नहीं करना है ना ही आपको पेशेंट से बात करनी है आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है पेशेंट का अपियरेंस पेशेंट का बिहेवियर और पेशेंट का मूड अपियरेंस में आप देखेंगे पेशेंट की क्लोदिंग और क्लीनलीनेस और बिहेवियर में आप देखेंगे पेशेंट अपने एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है और मूड में आप चेक करेंगे पेशेंट तो डल तो नहीं है या फिर पेशेंट यूफोरिक तो नहीं है सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप दैट इज ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट आपको पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना है वेदर द पेशेंट इज कॉन्शियस ड्राउजी स्टूपरस और कोमाटोस्ट कॉन्शियस मतलब पेशेंट अवेक है अलर्ट है और आपको रिस्पोंड कर रहा है ड्राउजी इज पेशेंट को आप सिंपल स्टमलाज से उठा सकते हैं लेकिन जब आप पेशेंट को छोड़ के जाएंगे वो वापस से सो जाएगा दिस इज ड्राउजी नेक्स्ट इज स्टूपरस स्टूपर कंडीशन क्या होती है पेशेंट सो रहा है पेशेंट के पास आपने अप्रोच किया है पेशेंट को आप सिंपल स्टमलाई देकर नहीं उठा पा रहे हैं पेशेंट सिर्फ और सिर्फ पेनफुल स्टिमुलाय से अरोज होगा लेकिन जैसे ही आप उस पेनफुल स्टिमलाई को हटाएंगे पेशेंट वापस से अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा लास्ट इज कॉमेटोस्ट कॉमेटोज कंडीशन क्या होती है कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जिसमें से पेशेंट को आप कितना भी स्टिमुलस दे नहीं उठा सकते सो दीज आर कॉन्शियसनेस नाउ आपको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब करना है ऑन द बेसिस ऑफ थ्री स्कोर्स जी स्कोर मतलब ग्लास्को कॉमा स्केल स्कोर जिस पर मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ लेकिन अगर पेशेंट वेंटिलेटेड है चाहे वो इन्वेजिव वेंटिलेशन हो मतलब इंट्यूबेशन हो या फिर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन मतलब बैग एंड मास्क वेंटिलेशन हो तो आपको जो स्कोर यूज करना है टू टेल द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो होता है हमारा फोर स्कोर एंड द लास्ट इज एबेडी स्कोर अब मैं आपको जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो मुझे मेरे रैपिड रिविजन के नोट से मिले हैं मैनेजमेंट ऑफ इंट्रा सेरिब्रल में एक स्कोर यूज होता है आईसीएच स्कोर और आईसीएच स्कोर में हमारा जी भी इंक्लूडेड होता है तो ये एक पोटेंशियल एमसी क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट इज वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन स्केल ने सब एलेक्ट्रॉइड हेमरेज को ग्रेड किया है वन टू फाइव ऑन द बेसिस ऑफ ग्लासगो कॉमर्स स्केल एंड प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ मोटर डेफिसिट तो अगर हमारा जी सी एस स्केल फिफ्टीन है और मोटर डेफिसिट एब्सेंट है तो ग्रेड होगा वन अगर हमारा जी सी एस थर्टीन टू फोर्टीन है और मोटर डेफिसिट एब्सेंट है तो ग्रेड टू हो जाएगा यहीं पे थर्टीन और फोर्टीन जी सी एस के साथ अगर मोटर डेफिसिट प्रेजेंट होता है तो ग्रेड थ्री हो जाएगा बट अगर आपका जी सी एस सेवन टू ट्वेल्व की रेंज में चाहे मोटर डेफिसिट प्रेजेंट हो या ना हो तो आपका सब एलेक्टनॉइड हेमरेज ग्रेड फोर हो जाएगा एंड ग्रेड फाइव सब एलेक्टनॉयड हेमरेजिज़ जी सी एस थ्री टू सिक्स की रेंज में विद और विदाउट मोटर डेफिसिट सो अभी तक हम पेशेंट को ऑब्जर्व कर चुके हैं पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक कर चुके हैं अब हम देखेंगे ओरिएंटेशन देखिए आपको जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ आपको इस उसी सीक्वेंस में चेक करना है बिकॉज ओरिएंटेशन आप तभी चेक कर सकते हैं जब पेशेंट कॉन्शियस होगा सो ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस एंड पर्सन तो टाइम कॉम्पोनेंट को आप कैसे चेक करेंगे अगर छोटा बच्चा है मतलब चाइल्ड है या फिर अनएजुकेटेड पर्सन है तो आपको पूछना है दिन हो रही है या फिर रात हो रही है ठीक है अगर एजुकेटेड पर्सन है तो आपको पूछना है अभी लगभग क्या टाइम हो रहा होगा बिना वॉच में देखे हुए आपको पेशेंट से पूछना है अभी लगभग क्या टाइम हो रहा होगा नेक्स्ट इज प्लेस आपको पूछना है आप अभी कहाँ पर हैं मतलब पेशेंट हॉस्पिटल में होगा ठीक है या फिर आपके क्लिनिक पे होगा तो आपको पूछना है अभी आप कहाँ पर हैं और पर्सन में आपको पूछना है आप किसके साथ यहाँ पर आए हैं सो दिस इज ओरिएंटेशन नेक्स्ट इज अटेंशन तो आपको पेशेंट की अटेंशन चेक करनी है वेदर वो आप पूरे कॉन्वर्जेसन में अटेंटिव है या नहीं है तो इसको चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं टैप ए फाइव टेस्ट तो आपको पेशेंट को बोलना है जब भी मैं आपको नंबर फाइव बोलूँगा आपको टैप करना है तो पूरी ऑब्जर्व पूरी कॉन्वर्जेसन में आपको चेक करना है वेदर द पेशेंट इज़ टैपिंग और नॉट तो अगर पेशेंट टैप कर रहा है मतलब पेशेंट अटेंटिव है और पेशेंट टैप नहीं कर रहा है मतलब पेशेंट अटेंटिव नहीं है तो अभी तक हम पेशेंट को ऑब्ज़र्व कर चुके हैं पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देख चुके हैं पेशेंट का ओरिएंटेशन और पेशेंट की अटेंशन ऑन गोइंग है पूरी कॉन्वर्जेशन में हम अटेंशन चेक करेंगे अब हम देखेंगे पेशेंट की लैंग्वेज और लैंग्वेज में पहला पॉइंट हम देखेंगे स्पॉन्टेनिटी मतलब अगर पेशेंट बोल पा रहा है ईजिली दिस इज स्पॉन्टेनियस पेशेंट बोलना चाह रहे हैं पर पेशेंट बोल नहीं पा रहा है फॉर एग्जाम्पल जैसे वाइवा में स्टूडेंट्स पेशेंट बोल बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा है दिस इज ब्रोकाज एफेजिया नेक्स्ट इज वर्निकेज एफेजिया पेशेंट कुछ भी बोल रहा है जो आपने क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है बट पेशेंट बोले जा रहा है दिस इज वर्निकेज एफेजिया तो लैंग्वेज में फर्स्ट पॉइंट हो गया स्पॉन्टेनिटी आगे बढ़ने से पहले स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड एक एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें है एरिया नंबर ट्वेंटी टू वर्निकेज एरिया सो वर्निकेज सेंसरी स्पीच एरिया इज एरिया नंबर ट्वेंटी टू एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल गायरस अब अगर इस वर्निकेज एरिया में एरिया नंबर 22 में डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो एफेजिया हो जाएगा वर्निकेज एफेजिया एज आई हैव टोल्ड यू इन द वीडियो वर्निकेज एफेजिया में पेशेंट कैनॉट अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड एंड द स्पीच इज फ्लूंट मतलब जो आपने पेशेंट को बोला है उसको कुछ समझ नहीं आएगा बट वो फ्लूएंटली कुछ भी बोलता रहेगा बट जो उसकी लैंग्वेज होगी वो जो बोल रहा है इट डजेंट मेक एनी सेंस नेक्स्ट इज ब्रोकार स्पीच एरिया एरिया नंबर 44 एंड 45 अगर यहां पर डिस्ट्रक्शन होता है तो हमारा हो जाएगा ब्रोकारज एफेजिया इसको हम एक्सप्रेसिव एफेजिया भी बोलते हैं पेशेंट अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स आप जो बोल रहे हैं पेशेंट समझ जाएगा लेकिन पेशेंट जो बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाएगा बट 2022 इंजरी टू पोस्टीरियर एंड ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल गायरस ही इज लाइकली टू सफर फ्रॉम तो पोस्टीरियर एंड ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल गायरस को हम एरिया नंबर ट्वेंटी टू वर्निक्स एरिया भी बोल रहे हैं यहां पर जो डिस्ट्रक्शन होगा तो वर्निकेज एफेजिया हो जाएगा और वर्निकेज एफेजिया में स्पीच कैसी रहती है फ्लुएंट तो यहां पर आंसर हो जाएगा फ्लुएंट एफेजिया नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्रिहेंशन तो आपको देखना है पेशेंट आपकी बात को समझ पा रहा है या नहीं तो आपको पेशेंट से बोलना है रेज योर हैंड एनी ऑफ द हैंड तो अगर पेशेंट ऐसे हाथ उठा देता है इट मीन्स पेशेंट आपकी बात को समझ पा रहा है सो so, कॉम्प्रीहेंशन के बाद आपको चेक करना है रेपिटिशन आपको पेशेंट को बोलना है मैं आपको फाइव नंबर्स दे रहा हूँ और आपको मैं आपको फाइव वर्ड्स दे रहा हूँ आपको वो रिपीट करना है जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपको चेक करना है पेशेंट ने टैप किया है या नहीं किया तो आप अटेंशन भी साथ साथ, साथ चेक कर रहे हैं तो आपको फाइव वर्ड्स देना है रैंडम फाइव वर्ड्स और पेशेंट को बोलना है रिपीट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल कार बस ट्रेन ट्रक ड्राइवर तो पेशेंट को रिपीट करना है रेपिटेशन को के बाद आपको चेक करनी है नेमिंग रीडिंग एंड राइटिंग तो नेमिंग में आपको क्या करना है कॉमन ऑब्जेक्ट्स का नाम पूछना है फॉर एग्जाम्पल जैसे सबको पता है दिस इज चार्जर दिस इज वॉच एंड दिस इज ईयरफोन्स तो आपको पेशेंट से कॉमन चीज़ों का नाम पूछना है लेकिन अगर पेशेंट हमारा अनएजुकेटेड है तो आप क्या करेंगे आप बता देंगे पेशेंट को ये चार्जर है दिस इज़ वॉच एंड दिस इज ईयरफोन्स अब आपको पूछना है मैंने आपको क्या बताया तो पेशेंट अगर बता देता है दिस इज चार्जर दिस इज वॉच एंड दीज आर ईयरफोन्स इट मीन्स पेशेंट की नेमिंग सही है नेक्स्ट इज रीडिंग एंड राइटिंग तो आपको पेशेंट को क्या करना है कुछ रीड करने के लिए देना है फॉर एग्जाम्पल मैंने पेशेंट को यह रीड करने के लिए दिया है तो पेशेंट रीड कर पा रहा है हायर मेंटल फंक्शन असेसमेंट क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन सेरिबुलर सिस्टम एंड गेट असेसमेंट पेशेंट ने अगर इजीली रीड कर लिया तो मतलब पेशेंट की रीडिंग स्किल्स सही है नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल्स तो पेशेंट को आपको बोलना है जो आप रीड कर रहे हैं उसको आप लिखिए सेम आप उसको लिखिए तो अगर पेशेंट लिख लेता है दैट इज़ पेशेंट री कर पा रहा है नेमिंग रीडिंग एंड राइटिंग तो लैंग्वेज में हमने क्या क्या चेक किया है स्पॉन्टेनिटी कॉम्प्रीहेंशन रेपिटिशन नेमिंग रीडिंग एंड राइटिंग तो अभी तक हम पेशेंट को ऑब्जर्व कर चुके हैं पेशेंट की कॉन्शियसनेस लेवल चेक कर चुके हैं पेशेंट का ओरिएंटेशन अटेंशन और लैंग्वेज चेक कर चुके हैं अब हम देखेंगे पेशेंट की मेमरी और मेमरी में हमें देखनी है इमिडिएट मेमरी वर्किंग मेमरी रिसेंट मेमरी एंड रिमोट मेमरी इमीडिएट मेमोरी में आपको क्या करना है डिजिट स्पैन करवाना है मतलब आप पेशेंट को एनी फाइव नंबर्स देंगे देखिए अगेन आप अटेंशन चेक करेंगे आपने फाइव बोला है पेशेंट को मैं आप पेशेंट को आपको बोलना है मैं आपको फाइव नंबर्स दूंगा और आपको उनको रिपीट करना है तो अगर आपके ऐसे बोलने पे पेशेंट टैप कर रहा है पेशेंट अटेंटिव है तो आपको रैंडम फाइव नंबर्स देना है फॉर एग्जाम्पल वन फाइव सेवन एलेवन फिफ्टीन और पेशेंट से बोलना है इनको रिपीट कीजिए नेक्स्ट आती है हमारी वर्किंग मेमोरी वर्किंग मेमोरी में क्या करना है आपको जो आपने ये नंबर्स दिए हैं वो रिपीट कराने हैं रिवर्स ऑर्डर में फॉर एग्ज़ाम्पल वन फाइव सेवन एलेवन फिफ्टीन दिया था तो पेशेंट से रिपीट कराने हैं रिवर्स मैनर में फिफ्टीन इलेवन सेवन फाइव वन लेकिन वर्किंग मेमोरी को चेक करने से पहले आपको पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करना है आप पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट कैसे करेंगे सिंपल कैलकुलेशन देखें तो आपको क्या करना है पेशेंट से बोलना है आप हंड्रेड में से सेवन माइनस कीजिए तो जो आंसर आएगा फिर सेवन माइनस कीजिए जो आंसर आएगा फिर से सेवन माइनस कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हंड्रेड माइनस सेवन नाइन्टी थ्री अगेन आप सेवन माइनस कराएंगे एटी सिक्स तो ऐसा आपको फाइव टाइम्स करवाना है अब पेशेंट डिस्ट्रैक्ट हो चुका है हंड्रेड माइनस सेवन वाली कैलकुलेशन में अब आपको पूछना है जो मैंने आपको फाइव नंबर्स दिए थे उनको रिपीट कीजिए रिवर्स मैनर में अगर पेशेंट बोल देता है फिफ्टीन इलेवन सेवन फाइव वन तो इसका मतलब पेशेंट की वर्किंग मेमोरी ठीक है वर्किंग मेमोरी के बाद आपको चेक करनी है रिसेंट मेमोरी तो आपको पेशेंट से पूछना है आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था या कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और रिमोट मेमोरी को चेक करने के लिए आपको पूछना है आप कौन से स्कूल से पढ़े हुए हैं या फिर आपको पूछना है आपका स्कूल कहाँ पर था सो सी एन एस एग्जामिनेशन में हम हायर मेंटल फंक्शन को असेस कर रहे हैं जिसमें हमने देखा सबसे पहले हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद हम पेशेंट का लेवल ऑफ़ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे और लेवल ऑफ़ कॉन्शियसनेस को हम क्लासिफाई करेंगे या तो जी स्कोर से या फोर स्कोर से या फिर एबेडी स्कोर से कॉन्शियसनेस चेक करने के बाद हमने देखा पेशेंट का ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस एंड पर्सन उसके बाद हमने पेशेंट की अटेंशन चेक की है यूजिंग अ टैप ए फाइव टेस्ट और उसके बाद हमने चेक किया है लैंग्वेज लैंग्वेज में हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं सबसे पहला है स्पॉन्टेनिटी वेदर द पेशेंट इज स्पॉन्टेनियस ब्रोकाज एफेजिया और इन वर्निक्स एफेजिया उसके बाद हमने कॉम्प्रीहेंशन चेक की है रेपिटिशन नेमिंग रीडिंग एंड राइटिंग लास्ट हमने चेक की है मेमोरी मेमोरी में इमीडिएट मेमोरी वर्किंग मेमोरी रीसेंट मेमोरी रिमोट मेमोरी इमीडिएट और वर्किंग मेमोरी वर्किंग मेमोरी को चेक करने से पहले हमने पेशेंट से कैलकुलेशन कराई है हंड्रेड माइनस सेवन वो भी फाइव टाइम्स अब ये सब करने के बाद हम चेक करेंगे मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन ये एक स्कोरिंग सिस्टम है जिससे हम कॉग्नेटिव इम्पेयरमेंट ऑफ पेशेंट चेक करेंगे अगर पेशेंट की एजुकेशन लेवल लो है तो हम हिंदी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कराते हैं नाउ व्हाट इज दिस मिनी मेंटल स्टेट एग्ज़ामिनेशन तो कुछ पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को हम स्कोर करेंगे जैसे हमने ओरिएंटेशन में टाइम प्लेस और पर्सन को देखा था तो पेशेंट ने अगर टाइम और प्लेस सही बताया तो हम उसको फाइव एंड फाइव स्कोर देंगे यहाँ पे पर्सन वाले कॉम्पोनेंट को इंक्लूड नहीं किया गया है देन मेमरी में इमीडिएट मेमरी वर्किंग मेमरी और जो हमने बीच में कैलकुलेशन कराई है उसको स्कोर देंगे थ्री फाइव एंड थ्री लैंग्वेज में रेपिटेशन का वन मार्क है नेमिंग के टू स्कोर हैं रीडिंग का वन स्कोर है राइटिंग का वन स्कोर है अब ये दो नई चीज़ें यहाँ पर ऐड हुई है कॉपिंग और डायग्राम एंड थ्री पेपर टेस्ट कॉपिंग का डायग्राम का वन स्कोर है और थ्री पेपर टेस्ट का थ्री स्कोर है पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कॉपिंग का डायग्राम और थ्री पेपर टेस्ट क्या है कॉपिंग का डायग्राम में आपको पेशेंट से बोलना है टू कॉपी दिस डायग्राम ये वाला डायग्राम आप कॉपी करने के लिए बोलेंगे देखिये पेशेंट इस डायग्राम को कॉपी करेगा अब यहां पर जो ये फोर साइडेड ब्लॉक बनाएं आप यहाँ पर यह चेक करेंगे ये सेम फोर साइडेड ब्लॉक इस साइड भी होना चाहिए तो अगर पेशेंट ने डायग्राम को कॉपी ऐसे किया है तो आप उसको वन स्कोर दे देंगे नेक्स्ट इज थ्री पेपर टेस्ट थ्री पेपर टेस्ट में क्या होता है आस्क द पेशेंट टू फॉलो वॉट यू आर डूइंग तो जो आप कर रहे हैं आपको पेशेंट को बोलना है टू तो आपको फॉलो करें तो आपको तीन स्टेप प्रोसीजर करना है पिकअप द पेपर फोल्ड द पेपर एंड ड्रॉप द पेपर मतलब आप पेपर उठाएंगे उसको फोल्ड करेंगे और फिर ड्रॉप कर देंगे अगर पेशेंट सेम ऐसा करता है आपको फॉलो करता है तो आपको कितने पॉइंट्स देने हैं थ्री पॉइंट्स देने हैं तो ये जो हमारा मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन इसमें स्कोरिंग है तो टोटल स्कोर हमारा बनता है थर्टी टोटल स्कोर हमारा थर्टी बनता है अगर टोटल स्कोर लेस देन ट्वेंटी थ्री है इट मीन्स देर इज़ अ प्रॉब्लम और अगर टोटल स्कोर ट्वेंटी थ्री या थर्टी के बीच में द द पेशेंट इज फाइन सो दिस इज मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन अगर पेशेंट का एजुकेशन लेवल लो है तो आप क्या करेंगे हिंदी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था हम हायर मेंटल फंक्शन असेसमेंट चेक करते हैं टू फाइंड द लोकेशन ऑफ लीजन मतलब कौन से लोब में लीजन है फ्रंटल लोब पैराइटल लोब टेम्पोरल लोब या फिर ऑक्सीपिटल लोब सो so, अब हम चेक करेंगे लोबर फंक्शन एग्जामिनेशन सबसे पहले है हमारा फ्रंटल लोब फ्रंटल लोब के हमें फंक्शन पता होने चाहिए तो पहला फंक्शन है अटेंशन दूसरा है प्लानिंग एग्जीक्यूशन थर्ड इज़ इंसाइट एंड फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अटेंशन आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं बाय टैपे फाइव टेस्ट नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के लिए आपको पेशेंट से क्वेश्चन पूछना है जैसे नहाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स या फिर क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है और कैसे नहाया जाता है तो प्लानिंग हो गई एंड एग्जीक्यूशन हो गया उसके बाद आप इनसाइट इनसाइट में आप पेशेंट को एक कॉमन सी सिचुएशन दे देंगे फॉर एग्जांपल आप पेशेंट से पूछेंगे जैसे कोई ब्लाइंड मैन रोड क्रॉस कर रहा है तो आप क्या करेंगे जो कॉमन मैन होगा वो यही आंसर करेगा कि ब्लाइंड मैन को हम हेल्प करेंगे टू क्रॉस द रोड एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को आपको चेक करना है बाय टू टेस्ट तो सबसे पहले आप पूछेंगे सिमिलैरिटी बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स तो जैसे आप पूछेंगे टेबल और चेयर में क्या सिमिलैरिटी है तो आपको आंसर्स मिल सकते हैं जैसे दोनों के फोर लेग्स होते हैं दोनों वुड की बनी होते हैं उसके बाद नेक्स्ट है आप प्रोवर्ब देंगे कॉमन प्रोवर्ब का मीनिंग पूछेंगे जैसे और ये जो प्रोवाब आप देंगे ये पेशेंट के एजुकेशन लेवल के बेसिस पे देंगे और पेशेंट की एज के बेसिस पे देंगे तो जैसे आप कॉमन प्रोवाब का मीनिंग uh, पूछ सकते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है ना सो so, ये है हमारे फ्रंटल लोब के फंक्शन अब हम फ्रंटल लोब को एग्जामिन करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं फर्स्ट इज़ गो नो गो टेस्ट गो नो गो टेस्ट में आपको क्या करना होता है जैसे आपको पेशेंट को बोलना है मैं एक बार क्लैप करूंगा तो आपको एक बार क्लैप करनी है तो आप कैसे करेंगे आपने एक बार क्लैप की तो पेशेंट एक बार क्लैप करेगा फिर आपने एक बार क्लैप की पेशेंट एक बार क्लैप करेगा तो आपको फिर दो बार क्लैप करनी है अब पेशेंट अगर क्लैप करता है इट मीन्स गो नो गो टेस्ट गलत हो गया है आपने दो बार क्लैप की तो पेशेंट को क्लैप नहीं करना था दिस इज गो नो गो टेस्ट फ्रंटल लोब एग्जामिनेशन में मैं आपको गो नो गो टेस्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ नेक्स्ट टेस्ट फॉर फ्रंटल लोब एग्जामिनेशन इज़ स्ट्रूप टेस्ट देखिए स्ट्रूप टेस्ट में आपको क्या करना है आपको पेशेंट को बोलना है ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इनमें जो वर्ड्स लिखे हैं उनके आपको कलर बताना है जैसे यहाँ पर रेड ब्लू येलो पिंक ब्लू ग्रीन रेड ब्लैक तो मतलब ऐसे पेशेंट को बोलना है आपको कलर बोलना है वर्ड नहीं बोलना है आपको ब्लू नहीं बोलना है आपको रेड बोलना है दिस इज़ स्ट्रूप टेस्ट नेक्स्ट इज़ सेट शिफ्टिंग टेस्ट तो आपको सेट शिफ्टिंग टेस्ट में पेशेंट से बोलना है आपको ऑल्टरनेट नंबर और एल्फाबेट को कनेक्ट करना है तो आप एक बार करके दिखाएंगे वन को ए से ए को टू से टू को बी से बी को थ्री से थ्री को सी से सी को फोर से फोर को डी से डी को फाइव से एंड फाइव को ई e से दिस इज़ सेट शिफ्टिंग टेस्ट तो आपको पेशेंट से बोलना है आपको ऐसे ही करना है सो सेट शिफ्टिंग टेस्ट इज द एबिलिटी टू अनकॉन्शियसली शिफ्ट अटेंशन बिटवीन वन टास्क एंड अदर लास्ट टेस्ट फॉर फ्रंटल लोब एग्जामिनेशन इज रैंडम वर्ड्स तो आपको पेशेंट से बोलना है आप पांच वर्ड्स बताइए जो अल्फाबेट ए से स्टार्ट होते हैं या फिर आप कोई भी अल्फाबेट चूज़ कर सकते हैं सो दिस कंप्लीट्स फ्रंटल लोब एग्जामिनेशन तो अगर हमारे फ्रंटल लोब में लीजन है ये जो मैंने आपको टेस्ट बताए हैं और फ्रंटल लोब के फंक्शन बताए अटेंशन प्लानिंग इनसाइट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये सब आपके एब आएंगे अगर फ्रंटल लोब में लीजन है नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट पेराइटल लोब एग्जामिनेशन पेराइटल लोब हमारे होते हैं डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट तो अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है तो आपका 96 परसेंट डोमिनेंट होगा लेफ्ट हैमिस्फेयर एंड 4 परसेंट होगा राइट right हेमिसफेयर लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं, तो आपका 70% परसेंट होगा लेफ्ट साइड वाला एंड 30% परसेंट डोमिनेंट होगा राइट right साइड वाला अब पेराइटल लोब के एग्जामिनेशन को कैसे किया जाता है अगर हमारे डोमिनेंट लोब में डैमेज है तो पेशेंट क्या क्या फीचर्स लेके आएगा पेशेंट लिख नहीं पाएगा दिस इज ए पेशेंट हैंड से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा दिस इज ए कैलकुलिया पेशेंट फिंगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा दिस इज थम दिस इज इंडेक्स फिंगर दिस इज रिंग फिंगर पेशेंट अगर ऐसे पहचान नहीं पा रहा है दिस इज फिंगर इनिया पेशेंट लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज हो रहा है दिस इज राइट एंड लेफ्ट कंफ्यूजन तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे अगर हमारे डोमिनेंट पेराइटल लोब में डैमेज हुआ है अगर नॉन डोमिनेंट पेराइटल लोब में डैमेज हुआ है तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद हेमी नेग्लेक्ट मतलब वो आधी चीजों को नेग्लेक्ट करेगा आप उसको बोलेंगे पेशेंट को आप बोलेंगे टू ड्रॉ अ सर्कल या टू ड्रॉ अ वॉच क्लॉक तो पेशेंट आधी क्लॉक बनाएगा दिस इज कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया आप पेशेंट से बोलेंगे टू वेयर अ जैकेट तो पेशेंट आधी जैकेट पहनेगा मतलब वो चीजों को आधी नेग्लेक्ट कर रहा है जिसको इसको हम बोलते हैं ड्रेसिंग एग्नोसिया तो आप ऐसे पेराइटल लोग को एग्जामिन करते हैं टिल नाउ वी हैव एग्जामिंड फ्रंटल लोब पेराइटल लोब अब हम देखेंगे टेम्पोरल लोब देखिए हमने लैंग्वेज का असेसमेंट किया था लैंग्वेज में हमने देखा था स्पॉन्टेनिटी कॉम्प्रिहेंशन रेपिटिशन नेमिंग रीडिंग राइटिंग तो अगर लैंग्वेज सही है इसका मतलब टेम्पोरल लोब सही है लास्ट इज ऑक्सीपिटल लोब देखिए ऑक्सीपिटल लोब में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ वो आपको पाथवे अच्छे से समझना है जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपके रेटिना में इन्वर्टेड बनती है देन रेटिना से ऑप्टिक नर्व वो इमेज ऑक्सीपिटल लोब के प्रेजेंट प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में लेके जाती है तो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का काम क्या है उस इमेज को रिसीव करना अब वो इमेज प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगी प्रोसेस होके तो यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज थी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में यहाँ पर जाएगी प्रोसेस होके okay, तो सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में अब हमें इमेज इरेक्ट दिखेगी अब यहाँ से सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स से कुछ रेडिएशंस जाते हैं टेम्पोरल लोब में टेम्पोरल लोब में क्या होगा अगर वो इमेज रजिस्टर्ड होगी मतलब पहले भी आपने देखी हुई है तो टेम्पोरल लोब बता देगा ये इमेज आपने पहले भी देखी हुई है और सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स से कुछ रेडिएशंस पेराइटल लोब की तरफ जाते हैं पैराइटल लोब क्या बताता है कि ये इमेज टू है थ्री है स्टैटिक है मूविंग है तो विजो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है पेराइटल लोब का फंक्शन और रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन का जो फंक्शन होता है वो होता है टेम्पोरल लोब का तो ऑक्सीपिटल लोब में ऑक्सीपिटल लोब के एग्जामिनेशन में आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं फर्स्ट इज फेशियल एग्नोसिया फेशियल एग्नोसिया में क्या होता है पेशेंट फेस को परसीव नहीं कर पाता है पहचान नहीं पाता है दिस इज़ फेशियल एग्नोसिया देखिए सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स से टेम्पोरल लोब में रेडिएशन जा रहे थे तो इसका मतलब जो ये रेडिएशन्स हैं यहाँ पर लीजन हुआ होगा जिसकी वजह से पेशेंट जो कॉमन फेसिस हैं उनको पहचान नहीं पा रहा है नेक्स्ट इज साइमल्टेग्नोसिया जो मैं आपको नोट्स की हेल्प से समझाऊंगा सो इन ऑक्सीपिटल लोब एग्जामिनेशन आई हैव टोल्ड यू अबाउट फेशियल एग्नोसिया साइमल्टेग्नोसिया देखिए साइमल्टीग्रोसिया में क्या होता है पेशेंट एक साथ दो चीज़ों को परसीव नहीं कर पाता है इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में अगर आप पेशेंट को फॉरेस्ट में ले जा खड़ा कर देंगे तो पेशेंट को सिर्फ ट्रीज़ दिखेंगे उसको फॉरेस्ट नहीं दिख पाएगा अब ये आपको हॉस्पिटल में कैसे चेक करना है आपको इससे चेक करना है आपको पेशेंट को बोलना है आपको अल्फाबेट ए को आपस में कनेक्ट करना है तो पेशेंट क्या करेगा स्मॉल अल्फाबेट को आपस में कनेक्ट कर देगा पेशेंट जो हमारे ये वाले एज हैं जो हमने बड़े एज लिखे हुए हैं इनको नेगलेक्ट कर देगा क्योंकि पेशेंट को सिर्फ ये दिखाई दे रहे हैं पेशेंट को बड़े ए दिख ही नहीं रहे हैं तो पेशेंट स्मॉल ए को आपस में कनेक्ट करता है और लार्ज वाले ए को नेग्लेक्ट कर देता है दिस इज साइमल्टेगनोसिया सो दिस वॉज ऑल अबाउट हायर मेंटल फंक्शन असेसमेंट इन सी एन एस एग्जामिनेशन नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन पर रहेगी थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो इस वीडियो के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है और होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस वीडियो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच